करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 8 और मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है, घर की क्लीनिंग वगैरह, नाश्ते का काम हो गया, बस रोटी बनाना है। और अभी मैं बना रही हूँ दाल और एक तरफ चाय बन रही है। तो आज हमारे यहाँ डेंटिस्ट आ रहे हैं, दांत के डॉक्टर, और हमारे हस्बैंड जो हैं वो मुखिया में खड़े हैं, तो वो गांव के लोगों का फ्री में दांत का इलाज करवा रहे हैं। जिन्हें भी दांत में प्रॉब्लम है उनका फ्री में इलाज होगा, तो वो हमारे यहाँ आए हुए हैं। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहाई नहीं है मेकअप वगैरह, तो ये ससुराल है और यहाँ थोड़ा अच्छा से रहना पड़ता है, और घर में लोग आते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा से रहना पड़ता है। तो दोस्तों, और जो हमारी सासू माँ है उनको अच्छा लगता है कि सुबह सुबह अच्छा से तैयार होकर रहा जाए, तो अभी माँ ने पूजा भी कर लिया है और अब मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन में कि क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और दिखाती हूँ आप लोगों से क्या बनाया है मैंने नाश्ते में। तो यहाँ पर देखिए, ये बनी है आलू और परवल की सब्ज़ी, और ये देखिए मैंने आटा गूंथ के रख लिया है रोटी बनाने के लिए, और ये बन रही है मेरी दाल, और यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं तो चाय बन रहा है, और अब मैं बनाऊँगी रोटी, और मुझे भी अपना दांत दिखाना है तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी भड़वा करेला, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जानते हैं, आप लोग से बता दूँ दोस्तों कि पहली बार जब मेरा चैनल बनाने के लिए इन्होंने सोचा था, तो उस समय मैंने भड़वा करेला ही बनाया था और उसका वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर इन्होंने मेरा चैनल शुरू नहीं किया था। और मुझे बहुत अफसोस है कि आज से 2-3 साल पहले अगर मैं ये की रहती तो आज बहुत आगे रहती, लेकिन परिवार में, बच्चों में उलझ के और इतना ख्याल भी नहीं आया। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आप लोग मेरा हौसला अफजाई कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो और अब मैं जाऊंगी रोटी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बातें भी कर लूं और आप लोगों को बता भी दूं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कैसे डॉक्टर आए हैं और कैसे गाँव के लोगों का इलाज हो रहा है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आज। तो चलिए, चलती हूँ मैं रोटी बनाने और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल, चावल और भरवा करेले। तो यहाँ पर देखिए, एक केजी मैंने करेला लिया है और उसको कट करके और उसके ऊपर जो दानेदार होते हैं उनको हटा लिया है मैंने और वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको कुकर में डालूँगी, तो कुकर में डाल करके और ज़रा सा इसमें पानी डालूँगी और इसको बॉयल होने के लिए मैं चढ़ा दूँगी। और इसमें डालूंगी ज़रा सी हल्दी और एक चम्मच नमक। और इस तरह से दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि वह बॉयल करने से क्या होता है कि जो इसका कड़वापन होता है करेले का, वो सारा निकल जाता है। और हमारे बच्चे जो करेला नहीं खाना पसंद करते हैं, वो भी बड़े चाव से खाते हैं। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और जब मैं भुजिया भी बनाती हूँ तो ऐसे ही मैं क्या करती हूँ कि भुजिया को काट करके और नमक हल्दी उसको लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए, कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें नमक हल्दी मैंने डाल दिया है, और बस यहाँ पे मेरा करेला बॉयल होने लगा है। और करेला मेरा बॉयल हो चुका है दोस्तों, और बस अब इसके अंदर का मैं सारा बीज निकाल लूँगी। और साथ साथ में मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है तेल। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें करेले के छिलकों को फ्राई करने के लिए डालूंगी। और तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं कि इसको मसाला बना के और मसाला इसके अंदर फिल करके और फिर इसको तलते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, क्योंकि मसाले तेल में चले जाते हैं और इसका छिलका अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाता है। और देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने मसाले निकाल लिए हैं।
तो ये देखिए, लहसुन, मस्टर्ड के दाने और सूखी लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, एक टमाटर और खूब सारा प्याज। और यहाँ पर देखिए, एक बार मेरा छिलका जो मैंने तलने के लिए डाला था वो फ्राई हो चुका है, और बाकी छिलकों को भी मैं इसी तरह से फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये मैं दोबारा से छिलकों को डाल रही हूँ, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारे छिलकों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा करेला फ्राई हो रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूँ, और यहाँ देखिए दोस्तों, मसाला भी तैयार हो गया है मेरा, और छिलके फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तड़के के लिए थोड़ा सा मस्टर्ड के दाने और जीरा और एक लाल मिर्च और प्याज का तड़का मैं लगा रही हूँ। और थोड़े से प्याज मैं तड़के में डालूँगी, और सारा प्याज को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इसका ग्रेवी मसाला तैयार करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे करेले हैं उनको फिल करना है, तो मसाले ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे मसालों का मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया है, और मसाला मैंने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। और अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल लूँगी, और नमक, हल्दी और धनिया का पाउडर मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इन सब का मैं पाउडर ही यूज करती हूँ। तो बस मसाला मेरा फ्राई हो रहा है, और अब देखिए इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, और बस ज़रा सा धनिया पाउडर डालूँगी, एक या दो चम्मच। 1 kg करेला है, तो उसको फिल करने के लिए मसाला भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मसाला डाली है, लेकिन ये भुनने के बाद थोड़े से हो जाते हैं, और अभी ये ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसमें देखिए मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी, तो धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसको मिलाते रहेंगे। तो मसाला मेरा फ्राई हो रहा है दोस्तों, और बहुत लोग, मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए करेला का बीज को भी मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी। तो मैं आप लोगों से बता दूँ दोस्तों कि मैं आवाज़ का डबिंग कर रही हूँ, तो मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया कि इसको फिल करने के बाद सारे करेलों को, मसाले जब तैयार हो जाएंगे तो इसको फिल करने के बाद हम क्या करते हैं कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके और उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद सारे करेलों को उसमें सजा देते हैं गैस पे धीमी आंच पे रख के, और ज़रा ज़रा सा उसको उलट पलट लेते हैं, तो उससे टेस्ट हमारा काफ़ी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा भरवा करेला तैयार हो गया है, और मैं आप लोगों से बता दूँ कि मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों से नहीं दिखा पा रही हूँ, और यहाँ डॉक्टर साहब आ चुके हैं। तो यहाँ पे पटना के डॉक्टर विनीत कुमार आए हुए हैं, और ये हमारे घर के पास पीछे जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे पूजा भी होती है, और होती है क्या, रोज़ ही हमारी माँ यहाँ पे पूजा करती हैं, इनको भैरव बाबा बोलते हैं। तो स्थान मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत अच्छी तरह से एक दिन, जहाँ पे पूजा होता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ घर पे भी आएंगे, तो घर पे आएंगे तो हम और आकांक्षा भी अपना दांत का चेकअप कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, और बाहर देखिए बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो डॉक्टर साहब मेरे घर पे आ चुके हैं, और यहाँ आकांक्षा अपना दांत दिखा रही हैं। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? तो दोस्तों, ये देखिए शाम के 5 बजे हैं, और अगल बगल के सारे बच्चे हमारे यहाँ आ चुके हैं खेलने के लिए, और ये सत्यम और सम्राट भी हैं। और सत्यम का आजकल तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, फिर भी देखिए अभी धूप भी है, खेल रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ, हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ है,
वहाँ पे पूजा भी होता है, तो हम लोग उनको भैरव बाबा कहते हैं। और आपने किसी ब्लॉग में मेरे सुना होगा, मेरे हस्बैंड को किसी ब्लॉग में क्या, वो विश्वकर्मा पूजा वाले में भैरव बाबा की जय बोलते हुए, तो वो पीपल का पेड़ के पास पूजा होता है और उनको भैरव बाबा बोलते हैं। वहाँ पे जैसे पूजा करने के लिए स्थान बनाया हुआ है। और ये देखिए सत्यम सिंह को, और देखिए ये बहुत ही बदमाश हो गए हैं यहाँ पे आकर के, सारा दिन साइकिल चलाते हैं और धूप में घूमने के चलते इनके इनको खांसी भी हो गई है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे कैंप लगा हुआ था हमारे यहाँ, और सारे गांव वालों का, मतलब जिनको दांत में प्रॉब्लम था तो उनका फ्री में चेकअप हुआ, और ये मेरे हस्बैंड ने करवाया। तो ऐसा ऐसा चीज़ वो करवाते रहते हैं, और अभी तो फ़िलहाल मुखिया में खड़ा हो रहे हैं तो करवा रहे हैं। ऐसे भी वो शुरू से ही उनको मतलब समाज सेवा में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। और किसी ने तो कल के ब्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भाई आप मेरा ब्लॉग आप हमेशा देखोगे तब तो दिखाई देंगे। पिछले ब्लॉग में ही आप लोग देखे होंगे कि वो मेरे साथ में हैं। तो आप लोग को इसलिए कहती हूँ कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए, और आप लोगों की भी गलती नहीं है तो कि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि पता नहीं आ जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए तो बोलती हूँ आप लोगों से कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो बस दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर अब समाप्त करूँगी, और अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तो